हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पे। फिर दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर दोस्तों हम बात करेंगे। यहां पर दोस्तों एक सूचना मिली है कब दोस्तों आप सभी का रिजल्ट है वो घोषित होने वाला है, और साथ में कट ऑफ 60-62 पे, जिसका दोस्तों काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि आपको रिजल्ट घोषित देखने के लिए मिलेगा। तो किस दिन होगा इसको लेकर हम बात करेंगे, साथ में विज्ञप्ति कब जारी होगी, सारे के सारे सवालों के जवाब दोस्तों आप सभी को इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ले बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैं लगातार कह रहा था कि रिजल्ट आप सभी का आना चाहिए, और रिजल्ट जितना जल्दी आ जाएगा उतना आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक तरफ लोग सुप्रीम कोर्ट जाए, दूसरी तरफ लोग हाई कोर्ट जाए, सब में दोस्तों जो है सीनियर एडवोकेट रखे जा रहे हैं। तो इस भर्ती में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन एक बार रिजल्ट आया तो काफी लोगों को यहां से बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों यहां पर जो अपडेट वो निकल रही है हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखेंगे एबीपी न्यूज के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था, दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से ही बताया जा रहा था जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों बुधवार तक। उसी चीज को लेकर यहाँ पर दोस्तों 410,000 अभ्यर्थियों रिजल्ट का दोस्तों इंतजार है, और यहाँ पर दोस्तों उनकी तरफ से बताया गया कि आने वाले समय के अंदर 12 मई को दोस्तों जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। आज भी दोस्तों मैं आप सभी को बताया था कि पीएनबी पर लगातार परिणाम का कार्य जारी है, लेकिन ऑर्डर आने से पहले दोस्तों उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि परिणाम का सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है कि 12 तारीख के आपके सामने जो परिणाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों ये रहने वाली है कि बिना विज्ञप्ति के आपको जो परिणाम वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहां से एक दोस्तों उम्मीद ये देखने के लिए मिल जाती है कि कल की डेट के अंदर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगी ऑफिशियल विज्ञप्ति, और उस विज्ञप्ति के बाद ही दोस्तों जो है क्लियर हो पाएगा कि 12 तारीख को जो आपका परिणाम वो घोषित होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया रिसोर्सेज के दोस्तों जो हवाले से चीजें निकल के गए उनका यहाँ पर यही कहना है कि 12 तारीख को दोस्तों आप सभी को जो परिणाम वो देखने के लिए मिल सकता है। मैं भी आप सभी को दोस्तों बताया था कि बुधवार से पहले आपको जो परिणाम वो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जब तक ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों सबसे ज्यादा संभावना है कि कल की डेट के अंदर आप सभी को विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगी, और जैसी दोस्तों विज्ञप्ति जारी होती है उसके अंदर आप सभी को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कई लोगों का दोस्तों ये भी पूछना है कितने लोग पास हुए, तमाम तरीके ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता करके सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा जाए 1 लाख पास हुए, 1.5 लाख पास हो जाए, कोई कहता 60,000 पास हो जाए। तो अभी तक दोस्तों अगर जैसा कि आप सभी ने हमारे सर्वे देखे होंगे उसके अंदर आप सभी को सारी चीजें बता दी गई हैं। अब दोस्तों समय आ चुका है रिजल्ट का, पीएनबी की तरफ से जल्द दोस्तों आज जारी किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों उसके अंदर जितने अभ्यर्थी पास होंगे उसके अलावा दोस्तों कहीं पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएनबी की तरफ से रिजल्ट का दोस्तों सबसे ज्यादा इंतजार है कि उसके अंदर कितने अभ्यर्थी पास होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कल की डेट के अंदर आप सभी को विज्ञप्ति देखने के मिल सकती है, और उसके बाद दोस्तों परसों आप सभी के सामने रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो बड़ी अपडेट ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।